एक हफ्ते से हो रही बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की नींद मानो उड़ा दी हो। दरअसल कोसली हलके के 3 दर्जन गांव में ओलावृष्टि से फसलें 100% खराब हो चुकी हैं, जिसके चलते किसानों को सब्जियां उगाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, जिस प्रकार से प्रकृति ने किसानों पे जो कहर ढाया है, उसके लिए मनोहर लाल सरकार जी की जो है, इनके ऊपर जो भी नुकसान हुआ इनका, उनकी क्षतिपूर्ति के लिए आपके यहाँ के लोकप्रिय विधायक लक्ष्मण सिंह यादव जी को इनके बीच में, कल ही सेशन खत्म हुआ, आज इनके बीच में आ गए हैं और पूरे इलाके का दौरा कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भी नुकसान हुआ है उसको ज़्यादा, उनको जो किसान हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मुआवजा दिलवाया जाएगा उनको उचित मुआवजा दिलवाया जाएगा। क्या नज़र आ रहा है आपको, कितनी कुछ फसलें खत्म हुई? कहीं 100% है, कहीं 80% है, कहीं 70% है। तो ये 70% का भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा ही होता है किसान के लिए, तो अगर 10% का भी नुकसान होता है तो ज़्यादा ही होता है। विधायक आज किसानों के बीच पहुंचे हैं, तो क्या कुछ विशेष? विधायक जी किसानों के जो दुख में शामिल होने के लिए आए, क्योंकि जो ओड़ों से जो नुकसान हुआ है उसके लिए जो सरकार जो ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा इनको दे करके इनके दुख को कम कर सके, इसलिए आज इनके भी सबके बीच में आए हुए हैं। वहीं कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह ने किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि जो ओलावृष्टि के कारण फसल खराब हुई है उसको लेकर किसानों को जल्द ही मुआवजा दिलवाया जाएगा। देखिए, आज जिस खेत में मैं खड़ा हूँ यहाँ तो 100% नुकसान हुआ है, और आपको पता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मनोहर लाल जी की सरकार किसान हितैषी है। और आपने ये भी देखा होगा पिछले दिनों किसी सरकारों ने 12,000 मुआवजा नहीं दिया, 2,500 रुपये के चेक आते थे, लेकिन क्या है कि राम भले ही राजी ना है किसान के ऊपर, लेकिन सरकार राजी है, सरकार पूरा हक किसानों को दिलवाने का काम करेगी। तो क्या लगता है कि कब तक इनकी गिरदावरी पूरी हो जाएगी, कब तक इनको मुआवजा? 10 तारीख तक इनकी गिरदावरी पूरी हो जाएगी, बहुत जल्दी ही, क्योंकि ये भी आपने दे तजुर्बा करा होगा, किसान भाई सारे खड़े हैं। अगर जितनी जल्दी भारतीय जनता पार्टी ने चेक वितरण किया था, महीने के अंदर अंदर आ गया था, और वही मुख्यमंत्री जी से सब बात हुई है, तो महीने के अंदर अंदर इसका प्रयास करेंगे कि सबका इस मुआवजे का पैसा मिल जाए। तो क्या किसानों को क्या आप कहना चाहेंगे? किसानों को ये करना चाहेंगे, सरकार इनके साथ खड़ी है, किसान की वजह से ही आज सरकार बनी है, इसलिए सरकार किसान के साथ आज खड़ी है। खैर, देखना होगा कि विधायक किसानों को सच में मुआवजा दिलवाएंगे या यूं ही बातों के जरिए टाल देंगे। भारत 9 के लिए कोसली से नवीन यादव की रिपोर्ट।